Let's talk about the reproductive events that occur. Okay. Now, reproductive events can be this seven stages. Now, उनमें से हम लोग क्या करते हैं ना, for our convenience, हम लोग उसको डिवाइड करते हैं थ्री स्टेजेस में. दिस इज वन स्टेज, दिस इज सेकेंड एंड दिस ऑल आर द थर्ड. नाउ सबसे मेन हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. ओके, फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ भी हो रहा है उसे हम लोग बोल देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ऑल द थिंग्स हैपनिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड ऑल द इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, तो हम लोग ने फर्टिलाइजेशन मार्क कर दिया. उसके पहले जो कुछ भी हो रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो भी हो रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ना अभी प्री फर्टिलाइजेशन में दो ही चीज़ होते हैं, पहले तो गैमिट बनेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि हम लोग इधर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहला तो गैमिट बनना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट. फॉर्मेशन ऑफ गैमिट दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. जो पढ़ेंगे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस से और ऊजेनेसिस, ये दो प्रोसेस से स्पर्म और ओवम इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. नाउ आफ्टर गैमेट बनने के बाद, क्योंकि स्पर्म बना है मेल बॉडी में, फीमेल बना है सॉरी ओवम बना है फीमेल बॉडी में, दोनों बनने के बाद दे शुड मीट फॉर फ्यूजन. फ्यूजन होने के लिए दोनों को पास पास आना चाहिए. फ्यूजन होने के लिए गैमेट ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गैमेट ट्रांसफर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डन बाय इंसेमिनेशन, इन विच वाया कॉपुलेशन द मेल इजेकुलेट्स इन द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज वाया कॉपुलेशन विच इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. इजेकुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. ओके, नाउ गैमेट ट्रांसफर हो गया. अभी ट्रांसफर होने के बाद स्पर्म विल फ्लो टूवर्ड्स द एग. फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग विल लीड टू फर्टिलाइजेशन विच विल रीस्टोर द प्लॉइडी नंबर. गैमेट बनेंगे, गैमेट्स क्या रहते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन स्टेज, हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट वुड बी 2n विच रीस्टोर्स द नंबर, डिप्लॉइड नंबर को रीस्टोर करता है. इसीलिए फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स इनटू वेरियस क्लीवेजेस. फर्स्ट क्लीवेज होगा, सेकेंड क्लीवेज, उसमें मॉरुला ब्लास्टुला ये सब स्टेजेस आएंगे. ओके, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा. मॉरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द बाहर का अंदर का लेयर, सबसे यूट्रस जो रहता है. दिस इज अ यूट्रस. यूट्रस का सबसे अंदर का लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम एंड दिस आर द फेलोपियन ट्यूब्स ओवर हियर एंड दिस इज द वजाइना एंड दिस इज द सर्वाइकल कैनाल. नाउ यूट्रस का सबसे अंदर वाला जो इनर मोस्ट पोर्शन है उसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं. दिस ओवर हियर द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस. ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, मतलब डे बाय डे इट विल ग्रो, इट विल मतलब डेवलप वेरियस स्ट्रक्चर्स, हैंड लिम हार्ट, फिर उसके अंदर बाल दिखेंगे हमें, आईलिड्स बनेंगे, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा उसमें. तो जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं हम लोग उसको. फुल जेस्टेशन पीरियड मतलब इम्प्लांटेशन से पाचुरेशन तक जो भी बीच में हुआ उसे जेस्टेशन पीरियड. ऑल द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स कम अंडर जेस्टेशन पीरियड, मतलब इम्प्लांटेशन फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लांटेशन टिल द डे ऑफ पाचुरेशन, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होंगे वो सब जेस्टेशन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट इज पाचुरेशन. पाचुरेशन को हम लोग लेबर बोलते हैं, लेबर एंड डिलीवरी. पाचुरेशन पाचुरेशन टेक्स प्लेस. ओके, जेस्टेशन जब भी फुल्ली फीटस फुल्ली डेवलप होगा वो सिग्नल देगा जिसकी वजह से पाचुरेशन इंड्यूस होगा. आफ्टर पाचुरेशन आफ्टर डिलीवरी देर इज अ लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड इज मेनली ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड विच क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द फीटस. ओके, न्यूली बॉर्न फीटस और मदर के बीच में एक बॉन्ड बनाता है लैक्टेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इनिशियल डेज में मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसमें IgA एंटीबॉडीज होते हैं विच प्रिवेंट्स फीटस फ्रॉम
न्यूली बॉर्न फीटस फ्रॉम द इन्फेक्शन अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अभी अभी वो दुनिया में आया, उसे कुछ इन्फेक्शन ना हो इसीलिए वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू भी एंटीबॉडीज मिलते हैं, बट कोलेस्ट्रॉम से भी IgA एंटीबॉडी, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मिलता है।